सभी दर्शकों को नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग करने का एक आसान तरीका। आप यहां देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग करने का यहां पे काम चल रहा है। और अगर हम बात करें आसान तरीके की, तो सबसे पहले जब आप स्लेब में पाइपिंग करते हैं, पाइप डालते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की पाइपिंग की हुई है। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग नहीं की और ना ही वॉल कटिंग करके हमने यहाँ पे जीआई के बोर्ड बिठाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो बहुत सारी लाइन है वो थोड़ी सी आउट है। यहाँ पे हम जो वायर है आपको बता देते हैं, और हमने अगला वीडियो दिखाया भी है कि कितने एमएम का वायर डालना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन क्वालिटी का वायर हमने डाला हुआ है, 2.5 mm, 1.5 mm और 1 mm। अब यहाँ पे आप अगर आसान तरीका वायर का अपनाना चाहते हैं, तो जो पाइपिंग करते हैं वो कमरा वाइज आप पाइप डालें, कमरे कमरे के हिसाब से पाइप डालें, और लाइन को आप दीवार से कटिंग करके भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है, यानी कि जो मेन लाइन है उसे आप स्लेब के अंदर से ना ले जाएं, दीवार के ऊपर से ले जाएं, तो सबसे आसान तरीका होता है। तो कमरे वाइज जो आपको पॉइंट के वायर डालने होते हैं उसमें इतना समय नहीं लगता है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेन लाइन भी है, पॉइंट के वायर भी हैं, और मेन लाइन को बहुत ही घुमा के यहाँ लाना पड़ा। और ज़्यादा अगर घुमावदार पाइप होते हैं और हम स्लेब में पाइप डालने के टाइम इन बातों का अगर ध्यान नहीं रखते, तो वायर भी खर्च होता है और वायरिंग करने में समय भी बहुत लगता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो मेन लाइन है वो इतना घुमा घुमा के लाना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी समय लग रहा है। अगर हम वायर डालने की बात करें, खींचने की बात करें, तो आपके पास अगर सपोर्ट वायर है जो अमूमन हर दुकान में मिल जाता है, उससे भी आप वायरिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्प्रिंग वायर है तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग वायर है, जो स्प्रिंग आती है स्पेशल वायर खींचने के लिए, तो वो अगर आपके पास है तो और भी काम आपका आसान होगा, क्योंकि जो पाइपिंग होती है, पाइपिंग में कहीं ना कहीं मिट्टी है, कंक्रीट है, ऐसी चीज़ें फंसी रहती हैं, तो वो निकालने में जो स्प्रिंग होती है वो बहुत ही मददगार सिद्ध होती है। और भी कई तरह की स्प्रिंगें आती हैं, जैसे आप वायर डालते हैं और कहीं हल्का फुल्का अटक रहा है और उसको पकड़ के खींचना है, तो हाथ तो वहाँ घुसेगा नहीं, उंगलियाँ तो घुसेंगी नहीं, तो वो स्प्रिंग डाल के और जब हम पीछे से उसका जो बटन होता है उसे पुश करते हैं, तो आगे का भाग उसका फैलता है, यानी कि मुँह जैसा खुलता है ऐसा खुलता है। जब आप बटन को छोड़ देते हैं तो वो उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, फिर पकड़ के आप आसानी से उसको खींच सकते हैं। ऐसी भी स्प्रिंग आती है, वो टूल हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास है अगले वीडियो में। अब यहाँ पे अगर एकदम आसान तरीका आप अपनाना चाहते हैं वायरिंग करने का, तो जो आप एमसीबी बॉक्स लगाते हैं और जितने भी चैनल आप बनाना चाहते हैं, ये आपको पाइप डालने के टाइम ही तय कर लेना है, और पहले ही ये चीज़ का विचार कर लेना है कि हमें इस घर में कितने चैनल देने हैं, वही हिसाब से आपको पाइपिंग करनी है स्लेब की। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही असेंबलिंग कर दिया, जहाँ से पाया वहाँ से जोड़ दिया, ऐसा ही यहाँ पे इस घर में हुआ है, तो वैसा ना करें। आप सबसे पहले ये सोच लें कि हमें इस घर में कितने चैनल देना है, यानी कि कितनी लाइनें हमें देनी है, हर एक कमरे का अलग अलग देना है, या फिर एरिया वाइज दे देना है कि कमरे का चार भाग देना है, तीन भाग में बाँट देना लाइट को, इस तरह से आपको पहले तय कर लेना है और उसी हिसाब से आपको पाइप डाल देना है। अगर आपको दो दो कमरे का करना है तो दो कमरे का पाइपिंग एक रखो, और दोनों कमरे में से एक एक जो मेन लाइन है वो सीधा आपको एमसीबी बॉक्स में ले जाना है, जो काम यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पूरे घर का वायरिंग करके और सिर्फ एक पाइप है एमसीबी बॉक्स में, दूसरा कोई पाइप नहीं है। आगे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ तक कि एमसीबी बॉक्स से जो मीटर की लाइन आनी है अंदर, वो पाइप भी नहीं डाला है। तो बहुत सारा यहाँ पे काम जो है ओपन भी अब करना पड़ेगा, फंटी लगानी पड़ेगी, ऐसा भी यहाँ पे ये देख सकते हैं वायर इस तरह से डालना है कि ये स्प्रिंग वायर है आप जो देख रहे हैं, ये एक टूल हो गया आपका,
स्प्रिंग डालेंगे तो वो कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ भी रहेगा तो वो वहीं पे निकलता है। जैसे कि देखो, ऊपर से डाला गया और नीचे जो बोर्ड लगा है 6 मॉडलर का, इसमें निकल के और इसी से खींचने से आसान हो जाता है। अगर आप खाली वायर डालेंगे तो वायर आपका नहीं जाएगा, एक दो वायर की बात अलग है, पर इतने सारे वायर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आपको स्प्रिंग से खींचना है वायर को, और फिर जैसे दो कमरे का अलग करना है तो वो दो कमरे का लाइन आपको पाइपलाइन सीधा एमसी बॉक्स में ले जाना है। तो इससे बहुत ही आसानी होगी आपको वायर डालने में। जो मेन लाइन होगी आपकी, तो मेन लाइन को सीधा आपको एमसीबी बॉक्स से और सीधा वो दो कमरे में चली जाएगी, और उन कमरों का जो बोर्ड आपको बिठाना है वो आपको बोर्ड टू बोर्ड वायर डालने के हिसाब से बिठाना है। आगे हम बोर्ड बिठाने का आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से बोर्ड बिठाने चाहिए तो वायर कम लगता है। यही बहुत सारी बातें होती हैं जो इलेक्ट्रीशियन को पता होनी चाहिए, जिससे मकान मालिक का ज़्यादा खर्चा ना आए, वायर की बचत हो और वायरिंग करने में आसानी हो। गैलरी में इस समय देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रिल करके और जो बाथरूम है वो बाथरूम के अंदर हमको फंटी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे जो मिस्त्री था वो भूल गया, वॉल कटिंग करके अंदर की लाइन जोड़ना ही भूल गया, बाथरूम में कुछ डाला ही नहीं। अब हम यहाँ से सीधा जो जक्शन डब्बी है उसमें से ड्रिल कर दिया है और सीधा सामने एक होल्डर लगा देंगे तो लाइन अंडरग्राउंड ही रहेगी और दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस डब्बी से और सीधा सामने जो है लगा दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है। अब ये गैलरी की मेन लाइन है। अब यहाँ पे दो चैनल हमने बनाए हैं, एक साइड को दो पार्ट हैं इसमें घर के, आधा आधा, क्योंकि एक ही वहाँ पे पाइप गया हुआ है पूरे घर का। फिर भी हमने आगे के दो कमरे हैं उसका अलग किया है, और पीछे के एक कमरा और आंगन वो अलग कर दिया है। इस तरह से हमने यहाँ पे डबल चैनल बना दिए हैं और एक मेन लाइन बना दी है। ये मेन लाइन है और इसको हम सीधा ला रहे हैं एमसी बॉक्स में। पीछे का भाग वो जो आप देख रहे हैं सीढ़ी के उधर, उधर से पीछे का साइड अलग कर दिया है और एक दो कमरे का हमने अलग कर दिया है। अगर सही तरीके से यहाँ पाइप पड़े होते, ये देख सकते हैं यहाँ एमसीबी बॉक्स लगा है दरवाजे के पास में, और ये मेन लाइन को हम यहीं पे ला रहे हैं एमसीबी बॉक्स के पास। ये लाइन से डब्बियाँ पड़ी हैं और इसी तरह आपको डालते हुए ले आना है। पहले हम इसमें मेन लाइन डाल देते हैं, इसके बाद में पॉइंट का वायर आसानी से पड़ जाता है। आप साथ में भी डाल सकते हैं सभी वायरों को, पर ये मेन लाइन पीछे का है तो हम सीधा पहले इसको एमसीबी बॉक्स में पहुँचा देंगे। इसके बाद में जो ये कंसील्ड बॉक्स हैं, लाइटें जो लगी हुई हैं, इनका जो पॉइंट है उसे डाल के बाद में निकाल लेंगे। कहीं कहीं बहुत दिक्कत भी होती है जब उसमें कंक्रीट वगैरह फंसा रहता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे अगल बगल भी तोड़ाई किया, एक डब्बी ऐसे छुपी हुई थी कि मिली नहीं रही थी। जब हम उसको डाल के माप भी निकाल रहे थे तो उसके माप के हिसाब से भी नहीं मिल रहे थे। अब वायर का इस तरह आपको माप भी लेना है। ये देखो जिस तरह से माप रहे हैं, इससे क्या होता है जब आप कटिंग कर देते हैं तो वायर डालने में आसान हो जाता है, और लंबा वायर रहता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो वायर भी बर्बाद नहीं करना है, माप के अगर काम करेंगे थोड़ा समय आपको ज़रूर लगेगा। ये देखिए वहाँ से स्प्रिंग डाला और यहाँ निकला, एक कैंसिल बॉक्स में से डाला है और जक्शन डब्बी में जाके ये स्प्रिंग निकली। अब वहाँ से इसी स्प्रिंग के साथ चिपका दिया जाता है, टेप के द्वारा आपको चिपका देना है वायर का छेड़ा और स्प्रिंग का, लेकिन मजबूत आपको थोड़ा सा चिपकाना है ताकि खींचने में निकल ना जाए। इस तरह से चिपकाने के बाद और स्प्रिंग को पकड़ के जब खींच लेते हैं या फिर सपोर्ट वायर को खींच लेते हैं तो वायर आराम से आ जाते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह आपको आराम से धीरे धीरे खींच लेना है और ऐसे ही बढ़ाते चले जाना है। पर अगर वायर डालने की बात है और उसमें किस तरह से पॉइंट वाइंट ये सब डालने हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ का है, और भूल नहीं जाना है, क्योंकि वायरिंग करते समय अगर एक भी पॉइंट का वायर डालना भूल गए तो आपको थोड़ी दिक्कत बाद में होगी वायर डालने में, क्योंकि जब वायर पड़ जाते हैं और फिर वायर डालना पड़ता है दूसरा तो फिर वो आसानी से नहीं पड़ता है। अब यहाँ हम नज़दीक आ गए हैं एमसी बॉक्स के, ये लास्ट स्टेप है यहाँ पे। यहाँ से देखो ये जो जक्शन डब्बी है यहाँ से डाल दिया और सीधा एमसीबी बॉक्स में निकलेगा जाके। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह आप तक पहुँचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।